उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं अपने होश खो बैठी थी। मैं तो उनके प्यार में बिल्कुल पागल हो गई हूँ। दुर्जन रॉय हियर। हेलो राय साहब, वो लड़की होश में आ गई और अपनी सहेली से बातें कर रही है। ठीक है। ओके सर। जाओ हॉस्पिटल से उस अखबार वाली को उठा लाओ। ये तो वो लड़की नहीं पिताजी। किसको लाने गया और किसको उठा लाए? जाओ खोजो, वो जहां भी है उसे उठा लाओ। चल। गुड, वेरी गुड स्नेहा। बस मुझे इसी सबूत की तलाश थी। अब राय मंडली नहीं बच सकती। यही वो कैसेट है जिसे लेने दुर्जन राय का भाई इस घर में दाखिल हुआ था। फिर वो कैसेट ही लेकर नहीं जाता अगर कि फरिश्ता इंद्रजीत घर में आने में थोड़ी सी भी देर कर दिया होता तो मैं आज तुम्हारी बीवी होने के लायक नहीं रह जाती। मुझे तुम पर गर्व है सविता। पत्नी हो तो तुम्हारे जैसी, जो गलत बात पर अपने पति के सामने भी नहीं झुकी। दुर्जन राय, मैंने तुम दोनों का रिश्ता किया। ये ऑफिसर क्या बोला? कहता है हम दोनों को गिरफ्तार किया। किस जुर्म में? एडिटर के खून के जुर्म में। कोई सबूत? उसका वीडियो कैसेट है मेरे पास। तुम बच नहीं सकोगे दुर्जन राय। कम ऑन, गेट रेडी। ये सरकारी ऑफिसर है, ये सरकारी काम से यहाँ आया है, इसकी अच्छी तरह खातिर करो। इंदर, 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 इंस्पेक्टर खुराना अकेले चले गए हैं राय को गिरफ्तार करने के लिए। काफी देर हो चुकी है लेकिन अभी तक लौटे नहीं है। मेरी सहेली भी शायद उन्हीं के कब्जे में है। मुझे बहुत डर लग रहा है इंदर। चाचा, मेरे लौटने में देर हो सकती है, परेशान मत होना। कितनी देर? कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ साल भी। मुझे मौत का स्वाद चखाने वाला था ना? मौत क्या होती है मैं तुझे दिखाता हूं। क्यों, कैसा लग रहा है? तेरा दोस्त किस तरह मौत की नींद सो रहा है, अब तेरी भी यही हाल करूंगा। ए, लाश को ऊपर ला। Thank you.
गए। एक दिन तीन बेकसूर लोगों को ऐसे ही लटका कर तूने मेरे हाथों में कंटीला तार देकर कहा था कि बचा सको तो बचा लो। आज वैसे ही ठीक वैसे ही तेरे हाथों में ये कंटीला तार देता हूं, बचा सकता है तो बचा ले। मैं तुझे बचाने का मौका नहीं दे रहा हूं, मैं दया धर्म वाला आदमी नहीं हूं, मैं तो एक चंडाल हूं। तेरे हाथों में ये तार देखकर तेरे बेटे को पल पल मौत के करीब जाते देखकर मैं उस दिन का मंजर भुला सकूंगा, इसलिए तुझे मौका दे रहा हूं। चल कोशिश कर। Thank you.
जर्नल का काम पूरा हो गया, अब सिर्फ एक काम बाकी है। मैंने दूसरों को सजा दी है, अब अपने आप को सजा दूंगा। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। तुम मुझे कानून से बचा कर लाई थी, अब तुम ही मुझे कानून के हवाले करोगी।